फिर आपका स्वागत है। आज खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के भवन के बाहर साफ सफाई की। पासवान ने झाड़ू लगाया और भवन के बाहर का कचरा साफ किया। वहीं पीएमओ एमओएस जितेंद्र सिंह ने पीएमओ के बाहर झाड़ू लगाया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मोदी सरकार के स्वच्छता अभियान की झांकी एक तरह से इसको कहा जा सकता है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो भवन है उसके बाहर झाड़ू लगाया और एक तरह से तैयारी चल रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटेंगे तो पहला बड़ा मिशन ये जो शुरुआत जिसकी होने वाली है 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान की शुरुआत, उसके लिए कैसे मुस्तैद है तमाम उनके मंत्री, ये इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, पीएमओ एमओएस जितेंद्र सिंह वो भी झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तैयारी चल रही है स्वच्छता अभियान की। तो मोदी के मंत्रियों का मिशन क्लीन, इसके पहले भी उमा भारती और जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, ये तमाम लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं और आगाज एक तरह से कर चुके हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और जितेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं। और इससे पहले जल संसाधन मंत्री दिल्ली के शास्त्री भवन और मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी आरके पुरम स्कूल के बाहर सफाई कर चुके हैं। तीन तस्वीरें और हम आपको दिखाते हैं, एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी, उमा भारती और रामविलास पासवान। तो मोदी के मंत्री कैसे तैयारी कर रहे हैं स्वच्छता अभियान के लिए, ये इन तस्वीरों से साफ जाहिर है।